तो गुड मॉर्निंग बच्चों, फंडामेंटल क्लासेस में तुम सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं क्लास 9 साइंस, जो फिजिक्स का पहला और बेसिक टॉपिक है मोशन, जिसे प्रेजेंट करेंगे आपके मास्टर जी। तो अब एक नजर हम डाल लेते हैं इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट कंटेंट को, जिसको हम पढ़ने और समझने वाले हैं। ये चैप्टर का नाम मोशन है, तो मोशन के बारे में गहराई से जानकारी तो अवश्य होगी। और इस क्लास से पहले तुमने मोशन के बारे में भी पढ़ा होगा, तो जिसमें तुमने एक सर्कुलर मोशन, ओसिलेटरी मोशन और कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन के बारे में भी पढ़ा था। लेकिन यहाँ हम सिंपल मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन का डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को भी गहराई से समझने वाले हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, स्पीड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे और इनके बीच मैथमेटिकल रिलेशन को एस्टेब्लिश करेंगे, फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके देखेंगे कि ये ग्राफ पे कैसा नेचर शो करते हैं और इक्वेशंस ऑफ मोशंस ग्राफिकल मेथड से भी निकालेंगे, फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को भी समझेंगे और साथ में न्यूमेरिकल्स भी बनाकर हम इस चीज को और अच्छी तरह से जान पाएंगे। अब बच्चों, यहां हम एक बात तुमको क्लियर कट ढंग से कहना चाहते हैं कि मैथमेटिक्स अपने आप में कोई साइंस तो है नहीं, लेकिन मैथमेटिक्स का इन्वेंशन फिजिक्स और जो अदर साइंस है केमिस्ट्री, उसको समझने के लिए किया गया था। तो जिसको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है उसको साइंस में तो इंटरेस्ट अपने आप आ जाएगा, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि हमें साइंस में रुचि है तो मैथ में अगर नहीं है तो मैथ में रुचि दिखाना स्टार्ट कर दो, कि आगे जब साइंस तुम पढ़ोगे 11th 12th में तो मैथ उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो अब तुम इसको जान गए होगे मैथ का इंपॉर्टेंट क्या है साइंस के लिए। मोशन को अब हम डिस्क्राइब करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारा ऐसा मोशन है जो कि है इनफैक्ट मोशन में, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं, और बहुत ऐसा भी जो वो दिखता है उसको हम समझ लेते हैं वो कैसा। सबसे पहली बात यहाँ जानने की ये है कि इस कायनात की, यूनिवर्स की जितने भी मैटर है वो सभी मोशन में है, कोई भी रेस्ट जिसको हम एब्सोल्यूट रेस्ट कहेंगे वो नहीं है। तो अब जो हमको दिखाई पड़ रहा है, बर्ड्स उड़ता है, फिश स्विम करता है, नहीं दिखाई पड़ता है, ब्लड हमारा फ्लो कर रहा है वेन में और आर्टरी में, कार पे हम बैठ कर ड्राइव करते हैं तो समझ में आता है कि कार मूव कर रहा है, एटम्स मॉलिक्यूल जो है हमेशा मोशन में होते हैं, हम उसको परसीव नहीं कर पाते हैं, प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सी ऑल आर इन मोशन, जिसको हम पार्शियली परसीव करते हैं और कुछ को परसीव नहीं भी करते हैं। तो अब एक आम बातें जो कि हम सबों को मालूम है, नहीं मालूम है तो अब पड़ेगी, कि भाई सनराइज, सूर्य का उगना, सनसेट, उसका चला जाना और मौसम का बदलना, इसके पीछे का कारण क्या है? तुम तो जानते होगे कि भाई इसके पीछे का कारण तो सिर्फ एक ही है, अर्थ का मूवमेंट। तो अर्थ का मूवमेंट सिर्फ ये कह देने से तो काम चलता नहीं है, कैसे हम तो जानते नहीं कि अर्थ मूव कर रहा है कि नहीं मूव कर रहा है। तो अगर कोई चला जाए स्पेस के अंदर तो अर्थ को मूव करते हुए वो परसीव कर सकता है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में अर्थ मूव कर रहा है और किसके अराउंड मूव कर रहा है? तो सीधी सी बात है कि एक हम रेफरेंस कहते हैं, नहीं भाई ये रेफरेंस पॉइंट है अर्थ के लिए, सन, सन के अराउंड अर्थ मूव कर रहा है और अर्थ अपने जो एक्सिस है उसके अराउंड भी रोटेट कर रहा है।
तो एक इलिप्टिकल पाथ सर्कुलर नहीं है, इलिप्टिकल भी नहीं है, पाथ है जिसके अराउंड अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूम रहा है, जिसको रिवॉल्यूशनरी मोशन कहते हैं, और अर्थ अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है, जिसको रोटेटरी मोशन कहते हैं। तो इनफैक्ट अर्थ के पास दो ढंग का मोशन हमेशा रहती है और उसको हम सन से रिलेट करते हैं। तो मतलब हमें तो दिखा नहीं, समझ में भी नहीं आता, हम परसीव भी नहीं कर पाते कि अर्थ मूव कर रहा है कि नहीं मूव कर रहा है, लेकिन अगर सन निकला तो अर्थ मूवमेंट से हुआ, सनसेट हुआ तो अर्थ मूवमेंट से हुआ, और चेंज इन वेदर हुआ, सन जो ही अर्थ से अपना डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा लिया, हमें ठंडी महसूस होने लगा, और सन के पास जब आ गया तो हमें गर्मी का एहसास होने लगा। तो कहने का मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन में है, तो वह एक आदमी के लिए मोशन हो सकता है, तो दूसरे आदमी के लिए वह जो है रेस्ट हो सकता है। इसको हम थोड़ा समझना चाहेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स। मीनिंग क्या है कि देखो, हम जिसको परसीव करते हैं वो रेस्ट हो सकता है या मोशन हो सकता है, लेकिन रेस्ट तो कोई चीज है नहीं, तो हमारा परसीव कैसे, हम अपने आप को अगर रेफरेंस पॉइंट मान लिए कि भाई हमारे सामने कुछ है, एक ट्री है या एक हाउस है जो कि हम भी खड़े हैं और वो भी है, तो दोनों का बीच का डिस्टेंस एक ही है, समय के साथ वह बदल नहीं रहा है, तो हम महसूस करते हैं कि ट्री या हाउस एट रेस्ट है। तो ये तो हो गई एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट जो कि मैंने अपने आप को मान लिया। लेकिन क्या ये ट्री एंड हाउस अर्थ के ऊपर नहीं है, और अर्थ हमेशा अपने साथ टू डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन लिए हुए नहीं है? अगर ऐसा है तो ये लोग भी तो मूव कर रहे हैं, अब तुम इसको परसीव नहीं कर रहे हो, तुम परसीव कर रहे हो, तुम बैठे हो, तुम्हारे सामने एक बस जा रही है, तुम देख रहे हो बस, और उसके अंदर जो भी पैसेंजर्स है वो तो हमसे डिस्टेंस बनाते चले जा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो तुमको समझ में आ गया यहाँ भाई ये मोशन में है, लेकिन बस के अंदर बैठा हुआ जो पैसेंजर्स है वो तुमको देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि जब तुम उनके पीछे भाग रहे हो उनको लग रहा है कि तुम मोशन में हो, और वहीं बस के अंदर जो बैठे दूसरे पैसेंजर है उनको एक दूसरे के लिए वो तो स्टेशनरी है। तो ये हुआ कि परसीव हम कैसे कर रहे हैं उस पे डिपेंड कर जाता है मोशन। अब कभी कभी बहुत ही आश्चर्य वाली बात है, लेकिन ऐसा होता है, हम लोग एक कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं थे, तो हमारा एक दोस्त था, हम लोग बाहर स्टेशन पे चाय पी रहे थे, दोस्त दौड़ते हुए आके, अरे भाई तुम लोग चाय पी रहे हो, वहां ट्रेन जा रही है, चलो छोड़ो, हम देख रहे हैं ट्रेन तो रुकी हुई है, बोला तुमको कैसे समझा ट्रेन जा रही है, अरे मैं तो बैठा था तो ट्रेन चलती हुई दिखाई पड़ी, अब हम लोग देख रहे हैं दूसरी ट्रेन निकल रही है उस पटरी से। तो मतलब ये कि कभी कभी तुम ट्रेन के अंदर बैठे रहते हो और दूसरी ट्रेन अगर चलती है तो तुमको लगता है कि तुम्हारी ट्रेन चल रही है। तो ये परसीव हुआ जो कि हमेशा सही नहीं भी होता है, कभी कभी सही भी हो जाता है। तो कभी कभी हम इरेटिक और अनकंट्रोल्ड मोशन लाइक सुनामी तुम फेस किए होगे, आंधी तूफान फेस किए होगे, तो ये एकदम ही अलग ढंग का मोशन होता है जिसमें कुछ भी कंट्रोल्ड नहीं होता है, तुमको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, नहीं तो तुम उड़ा के कहां से कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है तुमको। तो ये अब कुछ मोशन ऐसे हैं जो इरेटिक हैं, लेकिन उनको हम कंट्रोल कर लिया तो हमारे लिए तो बहुत ही उपयोगी हो जाते हैं, जैसे एटॉमिक प्लांट में जो हम हीट
जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, उसको हम कंट्रोल करते हैं। अगर कंट्रोल नहीं करे तो इतनी सारी एनर्जी वो निकालेगी और इतना मूवमेंट होगा कि फिर तो वो एक तबाही मचाने वाली है। तो अब रही बात इतनी सारी डिस्क्रिप्शन, तो मोशन को समझने के लिए अब ये आवश्यक हो जाता है कि हम एक रेफरेंस पॉइंट को एस्टैब्लिश करें। वो कुछ भी हो सकता है जो कि तुमको लगता है कि वो फिक्स है, चाहे तुम्हारा घर हो सकता है, चाहे वो एक बिजली का पोल हो सकता है, चाहे वो पेड़ हो सकता है जिसको तुम सही से रेफर कर सके। उस रेफरेंस पॉइंट के अगर तुम उससे एक समय के साथ अपने आप को डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हो तो तुम अपने आप को मोशन में कह सकते हो। तो ये एक रेफरेंस पॉइंट हुआ। दूसरा, अब जो हमारा टाइम है, टाइम तो हमेशा एक कांस्टेंट स्पीड से बढ़ती जाती है, इस पे किसी ढंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम जो मोशन है जिसको लिटरली तू मूवमेंट कह सकते हो, लेकिन मूवमेंट आखिर किसी रेफरेंस पॉइंट से होना ही पड़ेगा, नहीं तो एक आदमी उसको मोशन समझेगा और दूसरा आदमी उसको रेस्ट समझ लेगा। तो इस हिसाब से हमको टाइम के साथ रिलेट करना पड़ता है और रेफरेंस पॉइंट भी है, तो उसमें कुछ और टर्म्स आने वाली है जो हम फर्दर समझेंगे। तो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन की बात हम करते हैं, जो कि है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जिसको रेक्टिलिनियर मोशन के नाम से जानते हो। देखो, ये एक स्ट्रेट हाईवे है जहां की वो ओरिजिन है जहां से एक बाइक यानी मोटरसाइकिल वाला स्टार्ट करने वाला है अपना जर्नी। तो तुम देखे होगे किसी भी नेशनल हाईवे पे हर 5 किलोमीटर के बाद एक स्टोन लगा होता है जिसको माइल स्टोन कहते हैं, जो कि तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट भी होता है, कि ये दिखाता है कि तुम 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर अपने ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हैं। तो यहाँ रेफरेंस पॉइंट वो है जहां से एक बाइक सवार स्टार्ट करता है और ए पे 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके आ जाता है, और फिर वह जो है वहां से वापिस होता है सी पे आ जाता है, जो कि तुम्हारा 35 किलोमीटर है। अब देखो कि अब जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस उसने जो तय की है, जो एक्चुअल पाथ तुम कह सकते हो, ओ से ए तक जाना और फिर ओ ए से वापिस सी तक आना, जो एक्चुअल पाथ डिस्टेंस है, वो रोड से गया और रोड से वापस आया, जो कि 60 + 35 = 95 किलोमीटर है। इसको तुम डिस्टेंस के नाम से जानते हो। और जो पॉइंट ओ से उसकी फाइनल पोजीशन जहां तक वो डिस्प्लेस हुआ है, वह जो है डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, जिसको तुम शॉर्टेस्ट रूट भी कह सकते हो, जो ओ सी है। तो ये है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का अंतर। अब देखो, ये वन डायरेक्शनल मोशन की हम बात कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में जा रहा है, चाहे वह है ओरिजिन ओ से राइट की ओर जाए या लेफ्ट की ओर जाए। और मैथमेटिक्स में हमने एक नंबर सिस्टम की बात की थी और एक नंबर लाइन की बात भी की थी। समझो उसका ओरिजिन जीरो है, होता ही है, और राइट हैंड साइड तुम्हारा पॉजिटिव नंबर है, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर है। तुम -5 पे खड़े हो और अपने दोस्त जो साइकिल से तुमसे मिलने आ रहा है वो ओरिजिन पे है, तुमने उसको कहा तुम 5 किलोमीटर मेरी ओर आ जाओ, मेरी ओर का मतलब उसने समझा नहीं और तुमसे अपोजिट चल पा। तो फ्रॉम ओरिजिन 5 किलोमीटर जाके वो तुमको पूछता है कि मैं तो यहाँ आ गया लेकिन तुम कहाँ हो, तुमको अब एहसास हो मैं तो उसको किधर हूँ ये सही से बताया नहीं, तुम जिस
पॉइंट से स्टार्ट किए हो और जिधर गए हो पॉजिटिव डायरेक्शन का पॉइंट था, तुमको नेगेटिव डायरेक्शन के पॉइंट की ओर 5 किलोमीटर आना था, उसने फिर वापस वहां से स्टार्ट लिया और नेगेटिव डायरेक्शन की ओर चल दिया। 10 किलोमीटर उसको फर्दर डिस्टेंस तय करना पड़ा एक बाइसिकल वाले को, जहां कि तुम थे और मिल गया। इस केस में जब हम रेफरेंस पॉइंट को जीरो मान रहे हैं, राइट हैंड साइड को पॉजिटिव वाला मान रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव वाला मान रहे हैं, तो उस केस में अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है, क्योंकि वह पाथ डिस्टेंस है। जब डिस्प्लेसमेंट को बात करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जरूरी नहीं है, निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है डिस्प्लेसमेंट के केस में। तो डिस्टेंस जो तुम्हारा होगा वो 5 किलोमीटर फर्स्ट टाइम मिस्टेक से चला गया और 10 किलोमीटर उसको वापस आना पड़ा, तो 5 + 10 = 15 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो कि एक्चुअल पाथ लेंथ है। लेकिन जब ओरिजिन से हम उसका डिस्प्लेस्ड पोजीशन, जो कि फाइनल पोजीशन है ओरिजिन का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो है -5 किलोमीटर, तो मतलब तुमको आश्चर्य होता होगा, मुझे भी आश्चर्य हुआ था जब स्टूडेंट था कि यार डिस्प्लेसमेंट को माइनस ले कैसे कर सकते हैं, माइनस कैसा होगा। लेकिन माइनस यहाँ तुम ऐसा मत समझो, ये माइनस जो दिखा रहा है वो एक नंबर लाइन का पोजीशन को दिखा रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो 5 किलोमीटर ही है, माइनस कहना मतलब उसकी डायरेक्शन को बता रहा है। अब किसी पॉइंट से वो 5 किलोमीटर है, तुम ऐसे कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है, तो ये भी एक डायरेक्शन हुआ। किसी पॉइंट से 5 किलोमीटर ईस्ट में है, नॉर्थ में है, वेस्ट में है, साउथ में है, ये भी एक डायरेक्शन हुआ। यहाँ हम जिस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं वो नंबर सिस्टम का एक नंबर लाइन है, जो कि वन डायमेंशनल है, लाइन हमेशा वन डायमेंशन ही होता है, और उस लाइन का ओरिजिन वो है जहां से उसकी पोजीशन निगेटिव वाली 5 नंबर पे है। तो ये तो एक डिस्क्राइब किया गया डिस्प्लेसमेंट को, उसके साथ एक दूसरा महत्वपूर्ण डायरेक्शन के साथ, तो अब तुम समझ पाए होगे कुछ कुछ। अब एक जो दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, देखो एक बी पॉइंट से हमने चलना स्टार्ट किया, ए पॉइंट पे आया, वो इस ढंग से आ गया, और ए पॉइंट से फर्दर हम सी पॉइंट पे इस ढंग से आ गया। अब 13 यूनिट बी से ए चला और ए से सी हमने 12 यूनिट चल दिया। तो अब इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है अलग अलग हो जाएगी। डिस्टेंस ऑफ कोर्स एक्चुअल पाथ लेंथ 13 + 12 यानी 25 यूनिट हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा तुम्हारा बी और सी, जिसको तुम पाइथागोरस जो पिछले क्लास में पढ़ चुके हो मैथमेटिक्स में प्रिंसिपल्स निकाल सकते हो। तुम कैलकुलेशन निकालना करना, इसका आंसर मैं बताता हूं। बी और ए हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो बी सी का स्क्वायर हो गया 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, जो कि तुम्हारा 5 यूनिट आने वाला है। तो अब मैं आशा कर सकता हूं तुम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने में कामयाब हो चुके होगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट बाय पॉइंट डिफरेंशिएशन हम करने वाले हैं। अब डिस्टेंस को डी से डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं। टोटल पाथ covered during its motion is called distance. Displacement is the shortest path covered during its motion. A scalar quantity है distance,
मतलब यह सिर्फ मैग्नीट्यूड से अपना मतलब रखता है, किधर गया किधर आया इसे इसका कोई लेना देना नहीं है। सीधा सीधा मतलब कहे तो तुम बाइक से जब स्टार्ट किया अपने घर से तो उसका किलोमीटर का रीडिंग देख लिए और कहां गए कहां नहीं गए कहां से घूम घाम के आ गए घर पे, तो तुम्हारा बाइक का जो फर्दर किलोमीटर रीडिंग है दोनों को अगर माइनस कर दिए तो वो तुम्हारा डिस्टेंस हो गया, किस डायरेक्शन में गए कहां गए इससे इसका कुछ लेना देना नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसको तुम्हारा डायरेक्शन से ही हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स जो है वो है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। अब तुम जब मोटरसाइकिल से गए और घूम के आ गए, डिस्टेंस तो ट्रेवल कर लिए, लेकिन जब घूम के घर पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो, क्योंकि तुम घर से गए थे और घर पे ही आ गए, ओरिजिन पॉइंट पे ही आ गए, तो दोनों का बीच का शॉर्टेस्ट रूट जीरो ही होने वाला है। ये जो है डिस्टेंस पाथ डिपेंडेंट है, जैसे जैसे पाथ तुम्हारा ट्रेवल करते जाओगे उसका एक्चुअल डिस्टेंस ही होगा डिस्टेंस मतलब, लेकिन यह लोकेशन डिपेंडेंस है फ्रॉम ओरिजिन। एक ओरिजिन पॉइंट से तुम्हें स्टार्ट किए और किस ओरिजिन पे दूसरे लोकेशन पे हो उसका शॉर्टेस्ट डिफरेंस जो है वह है डिस्प्लेसमेंट। यह पाथ इंडिपेंडेंट है, इसको पाथ से कहीं कुछ भी लेना देना नहीं है। अब डिस्टेंस जो है ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर का होगा, रियल नंबर ऑफ कोर्स तुम जानते हो मैथ में तो अब पॉजिटिव ही रहने वाला है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जैसा कि हमने ऊपर डिस्कशन किया है कैन बी एनी रियल नंबर, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी नेगेटिव एंड इट कैन बी पॉजिटिव आल्सो। एसआई यूनिट क्योंकि दोनों यहां पर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, दोनों एक सेम ही ढंग का क्वांटिटी लेंथ है जिसको दिखाता है, तो उसका यूनिट एसआई वाला मीटर होगा, छोटा सीडीएस वाला सेंटीमीटर होगा, बड़ा यूनिट को हम किलोमीटर भी कहते हैं। अब देखो एक इस ढंग का तुम्हारा है, ओ से ए पर जिगजैग पाथ होते हुए वो रास्ता है, उससे ट्रेवल करके तुम पहुंचे हो, तो डिस्टेंस जो है वो पाथ जो है जिगजैग वाला वही काउंट होगी, एक मेजरिंग टेप से काउंट करो या ऑडोमीटर से काउंट करो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ओ से ए शॉर्टेस्ट रूट है जो कि दिखा रहा है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। इसको अब हम फर्दर एक न्यूमेरिकल बड़ा इंटरेस्टिंग है उसे समझने वाले हैं। एक फॉर्म है जिसका एक फील्ड है, उसका फील्ड का शेप स्क्वायर है 10 मीटर एक साइड उसका है, अब वह जो है पूरे स्क्वायर का एक चक्कर यानी अपने फील्ड का एक चक्कर जिसको तुम पेरीमीटर कह सकते हो वह 40 सेकेंड में लगा लेता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताओ, अगर एक पॉइंट से उसने स्टार्ट किया किसी एक कॉर्नर से स्टार्ट किया चलना और वह चलते रहा 2 मिनट 20 सेकेंड तक फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है निकाल के बताइए। सिंपल सी बातें हैं, एक स्क्वायर है जिसका आउटर 10 मीटर है, 10 मीटर को हमने अंदर दिखाया है लेकिन ऐसा नहीं, वो बाहर से बाहर कॉर्नर टू कॉर्नर को हम साइड कहते हैं और स्क्वायर का चार साइड है और चारों साइड का मेजरमेंट तो एक ही होगा 10 मीटर, तो अब पेरीमीटर उसका होगा 4 × 10 40 मीटर, 40 सेकंड में जो है वो एक राउंड मार लेता है कंप्यूटर, तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक मीटर के लिए उसको एक सेकेंड लगता है। अब समझो वो पॉइंट उसका ओरिजिन है, उसने कंटिन्यूअस चलना स्टार्ट किया 2 मिनट 20 सेकेंड, तो टोटल सेकेंड जो है 2 × 60 + 20 यानी 120 + 20 = 140 सेकेंड, लिटरली तुम कह सकते हो कि 140 सेकेंड वह चल रहा है, मतलब कि 140 मीटर वह डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। वेल एंड गुड,
ये तो डिस्टेंस हो गया। अब क्या है भाई कि 40 सेकेंड में एक चक्कर तो 2 मिनट्स 20 सेकेंड मतलब 140 सेकेंड, 40 2 जा 80, 40 3 जा 120, यानी 3 चक्कर मारेगा ओ से ए होते हुए ओ पे आएगा 3 टाइम, तो उसका 120 सेकेंड लगेगा। रिमेनिंग 20 सेकेंड एक साइड 10 मीटर का, दूसरा साइड 10 मीटर का, ये 20 सेकेंड में वो दो साइड कवर करेगा, ए पे उसकी पोजीशन रहने वाली है। तो अब डिस्प्लेसमेंट जो होगा शॉर्टेस्ट होगा। अब तुम इसका सॉल्यूशन तो डिस्टेंस के बारे में जान चुके हो, तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, 3 राउंड उसको लगाने पड़ेंगे 40 मीटर का, और 2 साइड उसको जो है 10 मीटर का कवर करेगा, तो 140 मीटर हो जाएगा। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ए जो फाइनल पोजीशन है और ओरिजिन का नियरेस्ट पोजीशन, ये डायगोनली होने वाला है। यहाँ फिर तुम पाइथागोरस प्रिंसिपल निकालोगे, 10√2 मीटर होगा। रियल नंबर की हमने बात किया था, √2 इज अ इरेशनल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल बोथ टुगेदर इज कॉल्ड रियल नंबर, तो ये एक रियल नंबर है। तो जैसा कि हम जान चुके हैं, मोशन को समझने के लिए हम उसको रिलेट करते हैं एक रेफरेंस पॉइंट से और दूसरा है टाइम से। अब हम दो ढंग का मोशन, जो कि पहला है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसको हम समझने वाले हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो वैसा ऑब्जेक्ट जो एक रेफरेंस पॉइंट से इक्वल टाइम में, इक्वल इंटरवल में, इक्वल डिस्टेंस तय करती जाती है, तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अगर ऑब्जेक्ट अपने रेफरेंस पॉइंट से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है या कवर करती है, तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब समझो एक रेफरेंस पॉइंट है तुम्हारा इलेक्ट्रिक का पोल, वहां से एक साइकिल वाला चलना स्टार्ट किया, मूव करना स्टार्ट कर दिया, वो पहले सेकेंड में जो है 50 मीटर, दूसरे सेकेंड में 50 मीटर, तीसरे सेकेंड में 50 मीटर, हर सेकेंड में 50 मीटर से अपना डिस्टेंस कवर करते हुए जा रही है, तो वह उसका यूनिफॉर्म मोशन हुआ। अगर वही साइकिल वाला पहले सेकेंड में तो 50 मीटर डिस्टेंस तय किया, दूसरे सेकेंड में 60 कर दिया, तीसरे सेकेंड में फिर से 50 कर दिया, चौथे सेकेंड में 40 कर दिया, ऐसा कुछ कांस्टेंट डिस्टेंस कवर नहीं करते जा रहा है, एक कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। अब ये है आइडेंटिकल टू द एक्चुअल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन, मतलब इसको समझ लो कि तुम मुजफ्फरपुर से पटना की डिस्टेंस जो 60 किलोमीटर है, अब तुमने तय कर लिया कि हमको बाइक से 1 घंटे में पटना जाना है, तो यूनिफॉर्म मोशन हमको 60 किलोमीटर रखना पड़ेगा थ्रू आउट द आवर। तो हर समय या सेकेंड या मिनट देखो तो उसकी स्पीड 60 ही होने वाली है, तो ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। वेयर एज इट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल स्पीड ऑफ द मोशन, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तीसरा इट है जीरो एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की बात तो हम आगे पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, लेकिन चूंकि इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो मतलब ये हुआ कि इसमें एक्सीलरेशन नहीं होगा। अब एक्सीलरेशन क्या है चलो आगे देखेंगे तब तुम समझ लेना, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सीलरेशन नॉन जीरो होगा, या निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता है। अब जब हम आगे डिस्टेंस एंड टाइम का ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं मोशन के केस में, तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में डिस्टेंस टू टाइम ग्राफ एक लीनियर होगा, मतलब ये स्ट्रेट लाइन दिखेगा, व्हेयर एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कर्व्ड लाइन होगा। अब यूनिफॉर्म मोशन इज रियल मोशन इन आवर डे टू डे लाइफ, हमें इनसे यूनिफॉर्म वाले मोशन से बहुत ही कम आमना सामना होता है, क्योंकि
चाहे वो हम ट्रेन में चल रहे हो, बस में चल रहे हैं, अपने बाइक को चला रहे हैं, कार को चला रहे हैं, तो उनका जो स्पीडोमीटर की एक कांटा जिसको सुई कहते हो तुम, ध्यान से देखना, हमेशा आगे पीछे करती रहती है। तो अगर वह कांस्टेंट एक ही जगह पे 60 या 40 या 45 पे है, तब तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। लेकिन जो मोस्ट जनरल मोशन हमारे डे टू डे लाइफ के लिए होता है, जो हम देख पाते हैं जब बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, तो उसका स्पीडोमीटर पे जो उसका कांटा जो स्पीड इंडिकेट करता है वो आगे पीछे होता रहता है, इसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। अब ये जो मोशन, चाहे वो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, उसको मेजरमेंट हम कैसे करें, इसके लिए दो फिजिकल क्वांटिटी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो स्पीड है और एक वेलोसिटी है। स्पीड रेट ऑफ मोशन को बताता है जो डायरेक्शन के साथ नहीं होता है। अब जब हम डायरेक्शन के साथ बात करेंगे, स्पीड को डील करेंगे, तो उसको हम वेलोसिटी कहेंगे। अब रही बात कि हम हमेशा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या मोशन की बात करते हैं और हमेशा उसी से हमारा सामना होता रहता है डे टू डे लाइफ में, तो कभी स्पीड कम कभी ज्यादा कुछ भी होता रहता है, जो हमारा स्पीडोमीटर का इंडिकेटर इंडिकेट करता रहता है। तो हम किस स्पीड को लेंगे, तो उस केस में हम एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, जो कि होता है हम एक्चुअल पाथ डिस्टेंस स्पीड के केस में, और एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के केस में, जो कवर हुआ और उसको कवर करने में जितना समय लगा उसको डिवाइड करके हम प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हुआ हमारा यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब हम मोशन का मेजरमेंट वाला दो फिजिकल क्वांटिटी स्पीड एंड वेलोसिटी है, उसकी बात करने वाले हैं। स्पीड को हम वी से इंडिकेट करते हैं, जबकि वेलोसिटी को भी वी से इंडिकेट करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर तुम देख रहे हो एक एरो का चिन्ह है, जिसको हम जनरली वेक्टर क्वांटिटी को इंडिकेट करने के लिए करते हैं। अब पहले हम कुछ फोटोग्राफ तुम्हारे सामने लाते हैं, उसको देखकर तुम तो स्मार्ट बचवा हो, पहचान गए होगे कि इसका स्पीड और वेलोसिटी का रिलेशन क्या होने वाला है। तो जी हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा है। समझो हमारे पास एक फिक्स डिस्टेंस है जिसको कवर करने के लिए ये चार कैटेगरी हैं। तो जाहिर सी बात है, कछुआ जो टर्टवाइज है उसको बहुत समय लगेगा उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, लेकिन खरगोश यानी रैबिट उसको बहुत जल्द कवर कर लेगा विथ रेस्पेक्ट टू टर्टवाइज। लेकिन अगर मोटर कार है तो विथ रेस्पेक्ट टू रैबिट उससे भी जल्दी कवर कर सकता है, और अगर हम फ्लाइट से उस डिस्टेंस को कवर करें तो यह तुरंत ही हो जाता है। तो अब तुम समझ गए होगे कि स्पीड को मेजरमेंट करना मतलब ये बताना है कि एक फिक्स डिस्टेंस को कवर करना है तो हमको ट्रेन और प्लेन है, और बहुत जल्दी कवर करना है तो ट्रेन का नहीं प्लेन का टिकट ही कटाने की आवश्यकता है। तो अब हम डेफिनेशन की तरफ मुड़ते हैं, जो कि स्पीड का है। इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, जो कि होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम डी अपॉन टी, जबकि वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को इंडिकेट करता है, विच इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एस अपॉन टी होता है। अब यूनिट की बात करते हैं तो स्पीड डिस्टेंस को रिलेट करता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से रिलेट होता है, ऑफ कोर्स टाइम दोनों का कॉमन है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का यूनिट
सेम था तो यहां भी स्पीड एंड वेलोसिटी का यूनिट भी सेम रहने वाला है। एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, छोटा वाला सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड, और जो हम कॉमनली यूज करते हैं किलोमीटर पर आवर होता है, चाहे वो स्पीड हो या वेलोसिटी हो, यूनिट एक ही होती है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी है, व्हेयर एयर वेलोसिटी फैक्टर क्वांटिटी होगा क्योंकि यह डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, जहां डिस्प्लेसमेंट फैक्टर क्वांटिटी है। अब स्पीड कैन बी यूनिफॉर्म और नॉट यूनिफॉर्म, तो मोस्टली तो नॉन यूनिफॉर्म से ही हमारा सामना होता है, तो उस केस में हम जो स्पीड की बात कहते हैं या करते हैं वह एक एवरेज स्पीड होता है, जो कि टोटल डिस्टेंस हम कवर करते हैं या ट्रेवल करते हैं और उसमें लगा हुआ समय को डिवाइड करने से मिलता है। इसी ढंग से वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म टाइप का होता है, मोस्टली नॉन यूनिफॉर्म टाइप का होता है, उस केस में भी हम एवरेज वेलोसिटी की ही बात करते हैं, जो कि होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, उसको कवर करने का टाइम होता है डिवाइड करने के बाद प्राप्त होता है। तो अगर जैसा कि हम जान रहे हैं मोस्ट ऑफ द केस में वेलोसिटी या स्पीड नॉन यूनिफॉर्म होती है, अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है लेकिन उसका रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट है, मतलब कि उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब एक्सेलरेशन क्या है तुम आगे समझो, एक एग्जांपल देंगे, समझो तुम 1 किलोमीटर ऊपर से जो कि एक ऑब्जेक्ट को हम छोड़ते हैं जो कि अर्थ की ओर आती है, तो वह जो है एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जिसको 9.81 तुम कहते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होता है, उससे उसका हर सेकंड में उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बढ़ती जाती है, तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला वेलोसिटी। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला वेलोसिटी है, तो उस केस में अगर कोई भी इनिशियल वेलोसिटी यू है और फाइनल वेलोसिटी भी है, तो एवरेज वेलोसिटी जो निकलने वाली है वो सिंपल अरिथमेटिक मीन यानी u प्लस v अपॉन 2 से निकलती है। तो बच्चों यहाँ पे हम अपने मोशन वाले क्लास को विराम देंगे और बाकी का जो बचा हुआ है क्लास 2 कहो या लेक्चर 2 कहो, उसमें हम इसको कवर कर लेंगे। तब तक के लिए तुमसे हम विदा चाहते हैं और ये चाहते हैं कि गुरु दक्षिणा स्वरूप तुम्हें अगर ये चैप्टर पसंद आया है तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ये कंटिन्यूअस चलने वाला है, और दोस्तों के बीच में शेयर करना जरूरी है। तो अलविदा और मिलेंगे फिर से दूसरे क्लास में।